प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम गोखले के आर्थिक विचार का अध्ययन करेंगे। डॉक्टर वर्मा के शब्दों में, गोपाल कृष्ण गोखले इतिहास के जानकार तथा अर्थशास्त्र के आचार्य थे। दादाभाई नौरोजी की तरह उन्हें भी राजनीति के आर्थिक आधारों के अध्ययन में रुचि थी। उनका आर्थिक अध्ययन इतना अधिक पूर्णताली हुए था कि उन्हें भारत सरकार का गैर सरकारी वित्तीय सलाहकार कहा जाता था। उनके जो आर्थिक विचार हैं वो निम्नलिखित हैं। पहला, भारत के भारी सैनिक और प्रशासनिक व्यय में कमी का आग्रह। गोखले भारतीय जनता की निरंतर बढ़ती हुई गरीबी को देखकर बहुत चिंतित रहते थे। उन्होंने इस गरीबी का मूल कारण बतलाया कि भारत का सैनिक व्यय बहुत अधिक है और नागरिक प्रशासन के क्षेत्र में भी यूरोपियन अधिकारियों को ऊंचे ऊंचे वेतन देने से जनता के कल्याण के लिए कुछ नहीं हो पाता है। सेल्बाई आयोग के सामने गवाही देते उन्होंने कहा कि भारत का सैनिक व्यय अन्य सभी देशों की तुलना में अधिक है, जबकि रूस कुल राजस्व का 21%, फ्रांस 19%, जापान 16% और इटली 13% व्यय सेना पर करते हैं। भारत का सैनिक व्यय 35% है। इसलिए उन्होंने सुझाव दिया कि आरक्षित सेना की स्थापना करके सैनिक व्यय में कमी की जानी चाहिए। सेना में भारतीयों को बड़ी संख्या में अधिकारी पद देने से भी व्यय में कमी होगी, क्योंकि सेना के भारतीय अधिकारियों को यूरोपियन अधिकारी तुलना में कम वेतन भत्ते देने होंगे। नेक्स्ट है हमारा, भारत में रेलों के विस्तार को प्राथमिकता देने का विरोध। उन्होंने रेल सेवाओं के विस्तार पर होने वाले भारी व्यय का भी प्रबल विरोध किया। रेलों के कारण संचार व्यवस्था में सुधार हुआ है। अकालग्रस्त क्षेत्रों में खाद्यान्न पहुँचाने में भी रेलें बहुत उपयोगी रही हैं, लेकिन महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि भारत में रेलों का विस्तार मानवोचित कारणों से निर्भर भारत का आर्थिक शोषण करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। रेलों की मदद से भारत के गांवों से अनाज और कच्चा माल बंदरगाहों तक और वहां से विदेश भेजा जाता है, तब विदेशों से भी फैंसी माल आयात किया जाता है। उस अनावश्यक सामान को रेलों की सहायता से गाँव और कस्बों तक पहुँचाकर वहाँ उसे ऊँचे मूल्य पर बेचा जाता है और आयात किया जाता है। माल स्वदेशी उद्योगों का नाश कर रहा है और दस्तकारों तथा छोटे शिल्पकारों को लघु उद्योगों से हटाकर कृषि कार्य में धकेल रहा है। इस प्रकार रेलवे भारत के दौरे आर्थिक शोषण का आधार बन रही है। मुक्त व्यापार की नीति के प्रति आशंकाएं और विरोध। गोखले ने स्वतंत्र व्यापार की नीति का विरोध करते कहा कि भारत पर लादी गई नीति ने देश के सभी उद्योगों का नाश कर दिया है। वाष्पशील तथा अन्य मशीनों की प्रतियोगिता के सामने भारत के पुराने उद्योग टिक नहीं पा रहे हैं और देश की प्रगति रुक गई है। ऐसे स्थिति में लोग पुनः खेती में जाने के लिए बाध्य हो गए हैं और अधिकाधिक निर्धन होते जा रहे हैं। गोखले ने इस बात पर बल दिया कि संरक्षण नीति को भी पर्याप्त सतर्कता और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ अपनाने की आवश्यकता है। गोखले का विचार था कि भारतीय उद्योगों को ऐसे संरक्षणों की आवश्यकता है जो विकासमान भारतीय उद्योगों को यूरोपियन उद्योगों के साथ अनियंत्रित अवांछनीय प्रतियोगिता से तो बचाए, लेकिन एकाधिकारी प्रवृत्ति और आर्थिक साधनों के केंद्रीकरण को जन्म न दे। वास्तव में वे ऐसी औद्योगिक नीति के पक्ष में थे जिसमें स्वतंत्र व्यापार और संरक्षण दोनों नीतियों के सकारात्मक पक्षों का समावेश हो। ग्रामीण ऋणग्रस्तता के प्रति चिंता और कृषि के सुधार पर बल। उन्होंने ग्रामीण ऋणग्रस्तता का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा किसानों से भूमि को गिरवी रखने का अधिकार छीनने वाले लैंड एलिनेशन बिल को गोखले ने एक नकारात्मक कदम बतलाया और कहा, कड़ा विरोध किया। गोखले का विचार था कि सहकारी साख समितियाँ स्थापित कर ग्रामीण कृषकों को वित्तीय सुविधा प्रदान करने की संस्थागत व्यवस्था की जानी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, जनता पर करों के भार को कम करने पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि जनता पर ब्रिटिश शासन के अधीन करों के भार बोझ से बहुत क्षुब्ध थे। उन्होंने शासन की आलोचना करते हुए कहा कि सरकार द्वारा मनमाने तरीकों से जो करों में वृद्धि है कर रखी है, उपभोग की वस्तु कीमतें और जनता के जो कष्ट बढ़ रहे हैं, कर व्यवस्था सुधार के गोखले ने अनेक सुझाव दिए हैं। अकाल के समय भू राजस्व को पूर्णतः माफी, आय कर से उन्मुक्ति की सीमा में वृद्धि, स्तुति वस्त पर उत्पादन शुल्क समाप्त करने, नमक कर में कमी करना और अंत में उसे पूर्णतः समाप्त करना आदि पर जोर दिया। नेक्स्ट हमारा है, औद्योगिक विकास पर बल। गोखले ने कृषि के साथ ही औद्योगिक विकास पर बल दिया और कहा कि क्षेत्र में की गई अवहेलना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी घातक होगी। उन्होंने देश के उद्योगपतियों से अपील की कि उद्योग में लगे श्रम में अधिकाधिक कुशलता लाने का प्रयत्न किया जाए, उत्पादन बढ़ाया जाए, तब भारतीय माल के लिए विदेशों में मंडियाँ खोली जाएँ, उद्योग धंधों के लिए उपलब्ध स्रोतों का उपयोग इस प्रकार किया जाए कि उनका पूरा पूरा लाभ उठाया जा सके। उद्योगों में भारत के मध्यम वर्गीय शिक्षित व्यक्तियों की नियुक्तियों को प्रोत्साहन दिया जाए, जिससे एक और तो बेरोजगारी से राहत मिले, दूसरी ओर देश के शिक्षित वर्ग को नई दिशा में प्रशिक्षण प्राप्त हो, जिससे औद्योगिकरण के युग में एक नई पीढ़ी तैयार हो सके। नेक्स्ट हमारा आता है, वित्तीय विकेंद्रीकरण और अन्य सुधार। लोगों के कल्याण कार्यों का भार प्रांतीय सरकारों पर है, लेकिन राजस्व का अधिकांश भाग केंद्रीय सरकार हड़प लेती है।
या अनुचित स्थिति में है तो ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि प्रांतों के पास पर्याप्त वित्तीय साधन बने रहें। प्रांतीय सरकारों को कर लगाने का अधिकार दिए जाने से पूर्व कुछ विशेष शर्तें लगाई जानी चाहिए, जैसे प्रांतीय बजटों पर विचार करने की प्रथा सुनिधायित हो, प्रांतीय परिषदों में निर्वाचित सदस्यों का बहुमत हो। ये शर्तें पूर्ति होने पर ही प्रांतीय परिषदों को कर लगाने का अधिकार दिए जाए। इसके लिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के आर्थिक शोषण की भावना से किए जाने वाले सभी कार्यों के विरोधी थे। जब भारत में स्वर्ण मुद्रा का प्रश्न प्रारंभ किया गया तो भारतीय मुद्रा को ब्रिटिश मुद्रा पौंड में परिवर्तित करने के उद्देश्य एक स्वर्णमान कोष स्थापित किया गया था। सन 1907 के बजट भाषण में गोखले इस कोष के संचय का विरोध किया था। इन सबके अतीत गोखले का विचार था कि भारत सरकार की आय तथा व्यय के बीच अधिक संतुलित सामंजस्य स्थापित किया जाए। वे इस पक्ष में थे कि आय का अधिकाधिक न्यायोचित ढंग से वितरण किया जाए। गोखले पूंजीवादी अर्थनीति को भारत जैसे अविकसित देश में लागू किए जाने पर होने वाली हानियों से परिचित थे। उनका यह स्पष्ट मत था कि पूंजीवादी देशों की अर्थनीतियों की तो भारत में लागू नहीं की जानी चाहिए। उनके जो आर्थिक विचार थे, भारत में बारीक सैनिक और प्रशासनिक व्यय में कमी का आग्रह, भारत में रेलों के विस्तार पर देने का विरोध, मुक्त व्यापार की नीति के प्रति आशंका विरोध, स्वतंत्र व्यापार की नीति का विरोध, कानून व्यवस्था के प्रति चिंता, कृषि के सुधार पर बल, निश्चिंता पर करों के भार को व्यय करने पर बल, औद्योगिक विकास पर बल, वित्तीय केंद्र में सुधार। थैंक्स।